अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकात। नाज़रीन, मग़रिबी बंगाल परोलिया में उत्तर प्रदेश के 3 साधुओं पर हमला किया गया है। केस में कोई मुसलमान मुलव्वस नहीं है। आखिर उस वाक़े के पीछे कौन थे और इनकी नीयत क्या थी, उसकी तहकीकात ज़रूरी है। हुकूमत और पुलिस दोनों को सही तरीके से तफ्तीश करनी चाहिए और निकाबपोश शख्स का चेहरा सामने लाना चाहिए। आपको बताते चले कि साधुओं पर हमला करने वाले तमाम गैर मुस्लिम थे। पुलिस ने अब तक जिन 12 लोगों को गिरफ्तार किया है, उनमें से कोई भी मुसलमान नहीं है। लड़ाई में कोई मुसलमान शामिल नहीं था। जिस इलाके में ये वाकया पेश आया, वो भी मुस्लिम अक्सरियती इलाका नहीं है। 3 नाबालिग लड़कियों ने 4 में से एक साधुओं की तरफ से नामुनासिब इशारों की शिकायत की थी, जिसकी वजह से ये इंतशार फैला है। साधु का दावा है कि इन्होंने कुछ गलत नहीं किया। मकामी लोगों ने उस पर अगवाकार होने का शुबा किया और इल्ज़ाम लगाया। परोलिया पुलिस की तरफ से जारी करदा सरकारी बयान के जरिए इस खबर की जानकारी दी है, मगर अफसोस ये मीडिया खामोश है, क्योंकि इनके मतलब का न्यूज़ नहीं है। मग़रिबी बंगाल पुलिस ने 12 अफराद को उत्तर प्रदेश के 3 साधुओं पर हमला करने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया है। वह 24 परगना जिला के सागर जजीरे में चलने वाले गंगा सागर मेले जा रहे थे। पुलिस जराये ने हफ्ते के रोज बताया कि जुमारात की रात जिला पुरुलिया के काशीपुर में देहातियों के ग्रुप ने साधुओं पर हमला किया था। इन पर उस वक्त हमला किया गया जब यह अफवाह फैल गई कि साधु एक मकामी नाबालिग लड़की को अगवा करने के बाद भाग रहे हैं। नाज़रीन, इस खबर के ताल्लुक से आपकी क्या राय, जरूर कमेंट में शेयर करें। शुक्रिया, वस्सलाम।